सुनो सुनो सुनो, एक ताजा गॉसिप है। पेटिस जैसी चटकदार अपने ही मलबाई है ना वो। क्या 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 मलबाई को जेम्स बॉन्ड। गॉसिप शुरू नहीं होती एक टपक पड़ते हैं, चैन से गॉसिप भी नहीं करने देते। कान से सुनना कम हो गया है ना, वो सुनना शुरू कर दिया है। नाक और कान दोनों से गॉसिप सुन लेते हैं। आप बोलो भाभी, बिंदास धीरे धीरे बोलो, क्या हुआ हेमल को? हमारे हेमल भाई को, हेमल भाई को प्यार हो गया। और वो भी एक ऐसी लड़की से जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन? फाल्गुनी। फाल्गुनी, फाल्गुनी है ना, 100% चटाकेदार न्यूज़। माँ कभी नहीं मानेगी। माँ को पता है इस बात का? हाँ माँ को पता है, लेकिन माँ को ये नहीं पता कि फाल्गुनी से प्यार हुआ है। तो अर्शद भाई ने कह दिया क्या पारुल से प्यार हुआ है। पारुल? पारुल कौन है? राम जाने, अब तो अर्शद भाई सुलझाएंगे इस कुत्ती को। अर्शद? शिल्पा भाभी, शोमिल को देखिए। क्या शोमिल? क्या हुआ है शोमिल को? क्या हुआ? देखिए भाभी, देखिए शोमिल क्या बना है फैंसी ड्रेस में। नक्शी, डरा दिया तूने, और इसमें रोने की क्या बात है? ये तो खुशी के आंसू है। मीनाक्षी तेरे आंसू ना कलरफुल होने चाहिए, खुशी के लिए ब्लू, दुख के लिए काले, और गुस्से के लिए लाल। तब तो सारे कलर्स कम पड़ेंगे, क्योंकि हर बात पे रोती है ये। लेकिन सौमिल है कहाँ? आ रहा है, आ रहा है। अरे हीरो की एंट्री ऐसे थोड़ी होगी। सौमिल चलो एंट्री करो। क्या ये क्या बनाया है इसे? ओहो, तुम लोगों की अक्ल कहाँ चली गई है? मैं जब मेरा बॉस बना था तब भी नहीं पहचान पाए थे। अरे देखो देखो, ठीक तरह देखो इसे, हैं? कमाल है। अरे नरसी काका आया। देखा सेम। सेम टू सेम। जाइए नसीका का। अरे क्या क्या है ये, क्या बनाया है आपने? से सारे बच्चे चड्डी पहनते हैं ना, इसमें फैंसी ड्रेस ऐसा क्या है? हाँ, और नरसी काका के लिए तो रोज फैंसी ड्रेस होता है। बच्चों की तरह हाफ चड्डी पहन के घूमते रहते पूरे घर में। मोटा भाई, आप सौमिल के लिए कुछ और सोचिए। ढंग का सोचना हाँ इस बार प्लीज। प्लीज फन एंड फेयर और फैंसी ड्रेस ज्यादा दूर नहीं है। चल प्रवीणा चलो। मोटा भाई जीतेंगे इस कॉल पे तो देख। अच्छा यहाँ बर्फ के गोले का स्टॉल रखते हैं। लंदन में बर्फ का गोला बहुत मिस करते थे सौमिल और सलोनी। बर्फ बहुत थी वहां पर। अरे सड़क पे बर्फ, इसे छत पे बर्फ, बाहर निकलो तो ऐसे हाथ करो तो बर्फ, पर ये बर्फ का गोला नहीं मिलता था वहां पर। सौमिल ये बर्फ का गोला खा के बहुत खुश हो जाएगा। अरे गोला चीज ही ऐसी है अर्शद भाई, वो बर्फ के ऊपर जब लाल पीला नीले रंग के शरबत डालते ना। बहुत भाई, बर्फ के गोले बाद में बनाना, पहले कहीं से एक ऐसी लारी ढूंढ के लाइए जिसमें से आप एक पारुल बना सके। बात तो पारुल के नाम की माला जप रही है। अभी वो किसी से फोन पे कह रही थी कि मेरे हेमल ने तो लड़की पसंद कर ली है और मैं उसे मिलने वाली हूँ। अब कहाँ से लाएंगे पारुल? सुबोध, मुझे ये पारुल वाला प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं लग रहा है। वक्त आने पर कुछ ना कुछ हो जाएगा। मुझे चिंता इस बात की है कि हेमल की फाल्गुनी के साथ क्या बात हुई है। तेरी कुछ बात हुई हेमल से? अरे फोन ही नहीं उठा रहा है, और वैसे भी हमारा फोन अभी क्यों उठाएगा। अच्छा बेबी, वो फाल्गुनी की इमेज सुधारने के लिए हम जो अखबार में आर्टिकल देने वाले थे उसमें तुषार कुमार नेगी कुछ किया? अरे उनका फोन भी वॉइसमेल पे ही जा रहा है। एंड कैन यू बिलीव दिस हर्षद भाई, उन्होंने अपने वॉइसमेल पे एक जोक रिकॉर्ड किया है। मैं बताती हूँ, एक दिन एक हाथी और चींटी रास्ते से जा रहे थे और हाथी ने चींटी से पूछा, मे आई गिव यू अ लिफ्ट? और पता है चींटी ने क्या कहा?
क्या तुम मेरा वजन सह पाओगे? हंसते रहो, हंसाते रहो, ये मेरा मैसेज है। आपका मैसेज क्या है? और फिर खुद हंसने लगे हाथी की तरह। राम ने और हाथी हाजिर है। अब ये चींगे सुल्तान। आइए तुषार कुमार, हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे, वो अखबार वाली बात। तो लो ये अखबार और खोलो पेज नंबर 5। इसमें फाल्गुनी के फोटो के साथ आर्टिकल छपा है। ये अखबार बा के सामने रख देना और फिर देखना हेमल का काम कैसे बनता है। हेमल का काम कैसे बनता है नहीं, कैसे बिगड़ता है। आपने ये आर्टिकल पढ़ा तुषार कुमार? नहीं, मैं तो फोटो देखकर ही खुश हो गया था। ले लीजिए हर्षद भाई, 10 लोगों से उनके अच्छे मोमेंट्स और बुरे मोमेंट्स के बारे में पूछा गया है, उनमें से फाल्गुनी एक है। और पता है उसने अपना बुरा मोमेंट कौन सा बोला है? बा के साथ गणपति के दिन हुआ झगड़ा। बा ने ये आर्टिकल पढ़ लिया ना हर्षद भाई, तो उनकी नजर में फाल्गुनी की इमेज और भी बिगड़ जाएगी। क्या तुषार कुमार, अब ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सके। चलिए भाई, हेमल को फोन लगाइए ताकि कुछ पता चले तो आगे का प्लान ऑफ एक्शन तय कर सके। हेमल, अभी ना लिया ना तूने तो, अभी ले देख मेरे डायलॉग में फ्रेंड्स एड्रेस में क्या बोलने वाला हूँ वो। अभी नहीं, बाद में। वैसे तूने बोला था ना कि ना लेगा बाद में लेगा, ये देख मैंने पूरा रिहर्सल कर लिया है, ये ले मेरे डायलॉग ले, ले। मैंने बोला ना अभी मूड नहीं है मेरा। हेमल तू रो रहा है? नहीं नहीं रो रहा है, अच्छा चल। झूठ बोलता है ना तू, झूठ बोलता है तू, झूठ में तेरा नाम बाको बेटा। बा ए बा को मत बोल, गट्टू भाई। क्या है गट्टू? बा किसी को सुना? बा अरे क्या हो रहा है गट्टू? ये हेमल है ना, हेमल वो मेरे से छोटा है ना, फिर भी झूठ बोलता है मुझसे। ये रोया फिर बोलता है नहीं रोया नहीं रोया। तू रो रहा है, देख मेरी तरफ। आँख में कुछ चला गया ना? ना मैं फूंक मार देता हूँ ला। गट्टू गट्टू छोड़ उसे, मुझे मालूम है इसके आँख में क्या गया है। मुझे अर्शद ने सब कुछ बता दिया है। अर्शद भाई ने आपको सब कुछ बता दिया? आप फिर भी नाराज नहीं मुझसे? मैं क्यों नाराज होंगी? मैंने तुझसे कहा था ना, यशोदा बहन जैसी औरतों को ये कहने का मौका मैं नहीं दूंगी कि मैं सौतेलापन दिखाती हूँ। चल रोना धोना बंद कर, तेरी शादी पारुल से ही होगी। पारुल से? हाँ वो पारुल जिसको तू परफ्यूम देने गया था ना, डिंपल ने दिया था वो, जब मैं ट्रंक में बंद था उधर क्या गया कोई ना, उसका नाम पारुल निकला। मुझे अर्शद ने बताया पारुल उसे भी अच्छी लगी। मुझे तुम लोगों की पसंद पर पूरा भरोसा है, कल फनफेयर है उसे लेके आना, देखो तो सही कैसी दिखती है। तू बता कैसी दिखती है? अरे हेमल इसमें शर्मा क्या रहा है? तेरे पास तस्वीर है ना उसकी पर्स में? दिखा दिखा। अरे क्या कर रहा है गट्टू भाई? दिखा। हां मैम, अरे गट्टू भाई गट्टू देखते देख। अरे नहीं नहीं तू गट्टू भाई इसमें नहीं है। गट्टू नहीं, गट्टू नहीं बेटा, किसी के पर्स नहीं लेते। लेकिन ये फिर से झूठ बोलता है, इसके पर्स के अंदर फोटो है, मैंने देखी थोड़ी थोड़ी। वो फोटो तो गणपति बाबा की फोटो है, पारुल की फोटो तो मेरे ड्रॉअर में। चल लेके आते। तू रुक ना, मैं लेके आता हूँ, अभी आता हूँ मैं लेके आता हूँ। सब लोग है ना अपनी अपनी पर्स में किसी न किसी की फोटो रखते हैं। हेमल गणपति बाबा की फोटो रखता है, सुबोध भाई ना सुबोध भाई ऐसे ऐसे वो मीनाक्षी भाभी की फोटो रखते हैं, और मैं ना रानी मुखर्जी की फोटो रखूंगा मेरे पर्स में। लेकिन मेरे पास तो पर्स ही नहीं है। यार अर्शद भाई, अर्शद भाई आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? ये पारुल कौन है? रिलैक्स हेमल, अचानक कुछ सूझा नहीं इसलिए यूं ही नाम ले लिया। मतलब पारुल कोई है ही नहीं? पर चिंता मत कर,
वक्त आने पर वक्त आ गया अर्शद भाई। माँ ने अभी मुझसे पारुल की फोटो मांगी और मैंने बोला कि मेरे ड्रॉवर में रखी, मैं लेके आता हूँ। तूने ऐसा कहा जबकि तुझे पता ही नहीं कि पारुल कौन है। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अरे तू हेमल है। तुषार कितने ऑब्जर्वेंट है आप, है ना? नहीं, क्योंकि मैं हेमल नहीं हूँ। फाल्गुनी की लाइफ में मैं विमल हूँ और मेरी लाइफ में अब एक पारुल है जो एक्चुअली में है ही नहीं। ये विमल कौन है? अरे विमल भी कोई नहीं है, लेकिन फाल्गुनी राजेश के साथ शादी करना नहीं चाहती। एक मिनट, राजेश है? राजेश पूरा का पूरा है, जिसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। कि राजेश नहीं होता तो मैं विमल नहीं होता। लेकिन तू विमल क्यों है? विमल तो कितना अच्छा नाम है। दो जवाब दो। क्योंकि मैंने फाल्गुनी को नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि प्रवीण भाई ने फाल्गुनी की गणपति की मूर्ति चुराई थी। मतलब कौन है और कौन नहीं है, ये सारी बातों के जिम्मेदार प्रवीण भाई है। वो है। समझे? नहीं। तू एक काम कर, तू शुरुआत से बता कि फाल्गुनी के साथ तेरी क्या बात हुई। अरे वो सब बाद में समझाऊंगा, अभी मुझे पारुल की फोटो दीजिए। आइडिया सुबोध, वो चादर दो। चादर? अरे दो ना। हेमल, हेमल ये रही तुम्हारी पारुल। अपने मोबाइल से तस्वीर खींचो और बा को दिखा कराओ। तुषार सो स्वीट। तुषार कुमार आज सुबह से आप बहुत कारनामे कर चुके हैं, प्लीज। हाँ, कहाँ से लाऊंगा पारुल की फोटो? उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। चार, हम एक पारुल पैदा कर लेते हैं। ये बंद करें ना आपका रोमांस प्लीज। 18-20 साल में वेट नहीं कर सकता, अभी अभी चाहिए मुझे पारुल की फोटो। उसका भी रास्ता है। चार, मेरी सेक्रेटरी का फोटो दो जो मैंने तुम्हें सुबोध को देने के लिए दिया था। मेरे लिए? ये एक्ट्रेस बनना चाहती। इसका नाम वैजंती है, ये है मद्रासी लेकिन पंजाबी पहनेगी तो लगेगी गुजराती। आज से ये तुम्हारी पारुल। लड़की अच्छी है, जरा मॉडर्न है। हाँ, तो ठीक है मैं ना बोल देता हूँ। ना बोलने की बात नहीं कह रही हूँ। अब मॉडर्न कपड़े तो डिंपल बेबी भी पहनती है, लेकिन क्या है, तू है मेरा बच्चा सीधा सादा और ये जरा मॉडर्न है। हाँ तो ठीक है ना, मैं ना बोल देता हूँ। ये ना बोलता हूँ क्या लगा रखा है? हेमल तूने अगर लड़की पसंद की है तो संस्कारी होगी ना। तू एक काम कर, उसे फनफेयर में बुला ले। दो मिनट में परख लूंगी लड़की कैसी है। अगर अच्छी हुई तो अपने साचे में ढालने की जिम्मेदारी मेरी। तेरा रिश्ता पारुल के साथ करवा कर ही रहूंगी। जा, जाके सो जा। अरे हेमल मायूस मत हो बेटा। हेमल अभी पारुल है ना। जैसे कृष्ण बात सौमिल को है ना, मेरे साथ सोने का है। दादी माँ ये कौन है? ये तेरी होने वाली काकी है, इसका नाम है पारुल। बा ये इसकी होने वाली काकी नहीं है, मेरी होने वाली भाभी है। मैं क्या आइडिया बोलू? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है, कल सुबह। जब भी मुझको आइडिया देना तब भी सोने का होता है आपको। चल सब मिल कुछ चलो, 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 चलो। चल मैं तुझको बोलता हूँ, आ बैठते हैं हम लोग इधर। मैं क्या आइडिया बोलने वाला था मालूम है? देख तेरे 5 सपने ना ऐसे मतलब जागते हुए सपने देखे ना, क्योंकि तू भगवान के घर पे। गट्टू काका वो सबको पता है, आइडिया बोलो। आइडिया बोलो? अच्छा अच्छा देख, तेरा पहला सपना था मिताली चेताली वो सब चिल्लर पिल्लर के साथ उनकी स्कूल पे जाने का, तो वो तो अभी पूरा हो गया। फिर तेरा दूसरा सपना है फन फेयर, जो अभी पूरा होगा। फिर तीसरा सपना था
क्रिकेट क्रिकेट उसमें ना पहले बैटिंग मैं करूंगा, चीटिंग नहीं करने का, देख चीटिंग नहीं करने का। और फिर तेरा पांचवा सपना वो तू बाद में बताने वाला है ना, वो सीक्रेट है ना तेरा। और फिर तेरा चौथा सपना है बाकी शादी, वो बापूजी ना बापूजी वो ऐसे ऐसे उनके साथ। गट्टू काका आइडिया बोलो ना। आइडिया ये है कि बाकी और बापूजी की शादी तो ऐसे ही नकली शादी होगी ना, लेकिन अगर तुझे असली शादी देखनी है तो हेमल और पारुल की शादी जल्दी से करवा दो। बाबी अब बीच में मत बोलो, आपको नहीं सुनने का था ना मेरा आइडिया। अरे गट्टू तेरा आइडिया इतना अच्छा था कि सुने बगैर रहा ही नहीं गया। समीर तुझे हेमल काका की शादी देखनी है? हाँ देखनी है, और मैं ना हेमल काका के पीछे बैठूंगा घोड़ी पर। हाँ, बस तो फिर अगर लड़की अच्छी हुई तो मैं हेमल को जल्द से जल्द दूल्हा बना दूंगी। मेरा आइडिया था। माँ मेरी शादी करवा देगी पारुल उर्फ वैजंती से। अरे तो कर लेना, अरे नाम से तो अच्छी लग रही है वो, और वैसे भी वो सेक्रेटरी है तो। यस बा। नो बा। गुड मॉर्निंग बा। और वैसे भी फाल्गुनी के साथ प्रवीण तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? मैं कहाँ खुश हो रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि हमें बा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अगर अभी बा को बता दिए ना तो बा त्रिशूल लेके माता का रूप धारण कर लेगी। फन फेयर में ही फैंसी ड्रेस हो जाएगा। नहीं नहीं, पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ तो फन फेयर के बाद बता दो, क्योंकि इस नाटक को जितना लंबा खींचोगे उतनी ही मुश्किल होगी। अरे लेकिन बताने के बाद भी तो मुश्किल होगी। अरे लेकिन कभी ना कभी तो बताना ही है ना, तो मुश्किल तो तब भी होगी। और ये पारुल को फन फेयर में बुलाया वो? अरे वो बीमार है ना। हाँ मतलब और एक झूठ। अरे तो और कोई चारा है क्या? नहीं, आज के बाद किसी से भी कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, छोटी सी बात भी नहीं। हेमल तेरी सैलरी कितनी है? प्रवीण अरे हेमल तू बा को जाके बोल दे कि पारुल फनफेयर में नहीं आएगी। हाँ ठीक। और प्रवीण भाई हाँ? आप तुषार कुमार को फोन करके कह दीजिए कि वो वैजंती को लेके आने वाले थे उसे लेके ना। बा ये देखो कौन आया है। मॉर्निंग पारुल। आ बिटिया। थैंक यू। हेलो। हाँ तुषार कुमार, वो जो पारुल है ना। हाँ हाँ, पारुल को लेके मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा, और जस्ट बात से मिलवाया है। थैंक यू। देखिए तुषार कुमार पारुल को लेकर नीचे आ गए हैं। ओ अरे अरे सुनो सुनो अरे अरे सुनो सुनो, मैं भी आ रहा हूँ नीचे तमाशा देखने, एक मिनट। ये ना एकदम पारुल जैसी। पारुल जैसी? पारुल है तो पारुल जैसी लगेगी ना, वैजंती जैसी थोड़ी लगेगी। ये हमारे तुषार कुमार भी ना। बाह बाह वो हेमल देख कौन आया है। जय श्री कृष्ण। हेमल देख कौन आया है। पारुल 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 you
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।